हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज था एचएससी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर एंड आई होप कि सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक खुशखबरी, एक बहुत प्यारी सी बात है कि इस इंग्लिश के पेपर में कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक था एंड अगर बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो उनको ऑटोमेटिकली उतने मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अटेम्प्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी लोग कि यहाँ पर ये जो आपको सेक्शन दिख रहा होगा A to complete the tree diagram to describe the reasons that resulted in the shrinking of the snip. उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखो A3 accept any reasonably correct answer. A4 poetic devices, the figure of speech inversion, the word order is changed. For Ryan, correct order should be the rover could hear one. जो भी आंसर दिया है and the composite lines accept any reasonably correct answer. कई लोग इसे समझ ही नहीं पाए exactly क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो A3 दो मार्क का, A4 दो मार्क का, A5 भी दो मार्क का। So guys, ध्यान रखना जो हमारा मॉडल आंसर बनता है पेपर चेक करने के लिए, उस मॉडल आंसर में ऐसा कुछ लिखा होता है, मतलब बाय मिस्टेकली जो मॉडल आंसर था वो यहां पे छप गया, जो कि क्वेश्चन आना था इन तीनों के प्लेस पे क्वेश्चन आना था बट ये मॉडल आंसर छप गया है, तो जिसकी वजह से ये तीनों क्वेश्चन रॉन्ग है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स ने ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे उनको 2+2+2 मतलब टोटल 6 मार्क्स ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना। अगर आपने इन तीनों को अटेम्प्ट किया है और गलती से कुछ भी अंदर लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किया इसका मतलब 6 मार्क्स पक्के हैं।